सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट हो रही है 3rd of November। अब नेपाल की पता नहीं, नेपाल की शायद 16 या 17 हो। और अभी निकल रहे हैं हम लोग, कोशिश तो करेंगे मुक्तिनाथ तक का, बट देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है गाड़ी, उस हिसाब से। रुक जाइए, खोल के नहीं जी। तो कोशिश तो हमारी है कि मुक्तिनाथ तक जाए। देखिए, श्रद्धा तो अपनी है कि मुक्तिनाथ तक जाके आए, बट बहुत लोग कह रहे हैं कि ये नीची है, यहाँ जा नहीं पाएगी, 4x4 ये है वो है। तो अब देखते हैं, जहाँ तक जाएगी जाएगी, जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं ले जाने की ले जाएंगे, और जहाँ पे रास्ता ख़राब होगा तो यू टर्न मार के आ जाएंगे। बाकी और तो टेम्परेचर अगर दिखाएं तो 17 डिग्री, 4:44 इंडिया के हो रहे हैं, तो नेपाल 15 मिनट आ गए, तो 5 बज रहे हैं। 4 बजे निकलने का था, 5 बज गए, कोई नहीं, कोल्ड स्टार्ट करेंगे, सब सो रहे हैं, अब आवाज़ करेगी एग्जॉस्ट लगाया है तो अब तो करेगी भाई। बाकी तो और कुछ है नहीं, कल तेल लगवाया था, टंकी फुल करा ली है, देखते हैं कितने का एवरेज देती है।
इधर। तो भाई साहब, इतने कष्ट करने के बाद अभी पहुँचे हैं। टायर तो पंचर हो गया था, हुआ तो बहुत पहले था, हवा दलवाते हुए आ रहे थे, बट अब थोड़ी हार सी मान गए थे, क्योंकि भाई साहब रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक। मैं शूट तो कर नहीं पाया वीडियो पर भाई साहब जिस हिसाब की रोड कंडीशन है एकदम, अब जाके टायर चेंज करा है अभी भी। अब मम्मी बहन लोग देख के आ रहे हैं, कह तो रहे हैं यहाँ से 1-2 किलोमीटर का रह गया बस, फिर रास्ता सही है। देखो मन तो कर रहा है, अब क्या करें, देखते हैं। अब बस देखिए, आपको ही देखिए बस। तो अभी लगभग मुक्तिनाथ तो है, चुमसम ही लगभग लगभग अभी 1 घंटे की जितना है, और रास्ता इतना ख़तरनाक है भाई साहब। इस गाड़ी ने जैसे तैसे अभी तक तो यहाँ तो पहुँचा दिया। अंडरग्लो आगे की सारी हटानी पड़ी, आगे की स्कर्टिंग्स तो मैं निकाल के ही चला था। अंडर बॉडी तो इतनी छुई है इस गाड़ी की, अब पता नहीं इंडिया जाके पता चलेगा कैसे होगा, बट लोगों ने इतना मना करा, नहीं जाएगी नहीं जाएगी, ये गाड़ी नहीं जा पाएगी नहीं जा पाएगी। भाई साहब वो देख रहे हैं, मतलब पहाड़ तो ऐसे खिसके हुए हैं, और मतलब रियल क्या कहूँ, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि ऐसी जगह पे आके कैसा फील हो रहा है। लोग कह रहे हैं नहीं पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी, छोटी है, अगर पहुँच गई तो देखा जाएगा, पहली बलिनो होगी जो शायद इंडिया की मुक्तिनाथ पहुँचे, और वो भी 4x2 है सारे यहाँ पे। ऑल्टो में जब जा रहे थे मैंने कहा बलिनो में तो जा ही सकते हैं, देखते हैं देखते हैं। अभी मम्मी बहन और रामा जो हैं पैदल पैदल आ रहे थे, हम तब तक गाड़ी चढ़ा के लिया है, लोगों ने कहा यहाँ पे चढ़ा ही जाता है, किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, देखते हैं चलिए। बाकी व्यूज़ तो भाई साहब 1 नंबर। इसलिए थोड़ी ना मुक्तिनाथ ऐसे ही फेमस थोड़ी ना, कुछ है इस जगह में इसलिए फेमस है। इतना साफ पानी भाई साहब, नेचुरल ब्यूटी। तो फाइनली बढ़िया रोड आ गई, और जैसे तैसे व्यू चेक करिए गाइस, व्यू चेक करिए, ओ भाई क्या तेज हवा चल रही है, नीचे नदी का फ्लो, छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज के लिए झुलूंगे और बहन का वेट कर रहे हैं, वो दोनों पैदल आ रहे थे पता नहीं कहाँ रह गए, और बच गए हैं लगभग 2 नेपाल के, 5:15, 5:20 पे चले थे यार, रास्ता ही ऐसा है क्या करें। ओहो भाई साहब मजा आ गया, परफेक्ट है भाई साहब इतना गाड़ी चला के आना यहाँ पे, बस वही है जो नुकसान है नुकसान है, बट शौक है तो अब क्या करें। भाई साहब व्यू चेक करिए, फर्स्ट टाइम इन लाइफ आइस मोड इसमें वार्निंग आ रही है कि आइस
हो सकती है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, 3 डिग्री है, आइस मोड का आ गया इसमें। ये देख बना हुआ, 3 डिग्री है भाई साहब, इसमें अलर्ट्स कहाँ से आते हैं, कहाँ गया पता भी नहीं यार। वाईफाई आइस का गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आ गए हैं कागवेनी, श्राद्ध करना होता है, अमर ने कहा पापा आए हैं पहली बार तो श्राद्ध करते हैं यहाँ पे दादाजी का, तो वो करना है। और गाड़ी जो है ऊपर ही रख दी क्योंकि भाई साहब रिस्क नहीं लेना कल इतना रात को सोते हुए मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि कैसे कैसे लिया है, बट रास्ता आप देखिए कैसा है, यहाँ लोग कह रहे हैं 4x4 ही आ पाएगी, मैं मानता हूँ जिद में मैं 4x2 ले आया, 2x4 या 4x2 बट चेक आउट करिए, वहाँ लिखा हुआ है कागबेनी जो है यहाँ पे, ये ज़्यादातर जो है श्राद्ध करने ही आते हैं लोग। सामान दिख रहा होगा पापा के हाथ में, व्यू चेक आउट करिए, व्यूज। गाड़ी में भी वार्निंग आ रही थी, आईसी रोड हो सकता है, बर्फ जमी पड़ी थी पूरी। जाना ए
ये तो बैठा हुआ है मैं। मंदिर जाने ले सुनने में आज 12 बजे अनरियल नाथों के नाथ मुक्तिनाथ। बुद्धा जी का स्टैचू गुड मॉर्निंग एवरीवन। वापसी हो रही है मुस्तांग से, सुबह 5 बजे चले थे। अभी तक टचवुड जाते समय जितना मुश्किल हुआ आते समय इतना कोई मुश्किल नहीं हुआ। आधे से ज़्यादा रास्ते जो है जितने भी ऊबड़ खाबड़ वाले थे अभी तक हम क्रॉस कर चुके हैं। जहाँ दिक्कत हुई थी चढ़ते समय, बाकी व्यूज़ चेक करिए भाई साहब। गाड़ी में कोई इशू नहीं है अभी तक। देखो भाई इतना आएगी लोड गाड़ी है, लोड मतलब सेडान हैचबैक, तो छुएगी तो हल्की फुल्की आएगी, बट नो डाउट परफॉर्म बहुत सही कर रही है। एग्जॉस्ट लगा हुआ ही है, कोई इशू नहीं है एग्जॉस्ट से भी। एवरेज अभी 15.2 की दिखा रही है, बाकी देखते हैं अब क्या बोलते हैं पोखरा जाके डलवाएंगे कितना देती है। अगर 12-13 का भी दे दे ऐसे टेरेन पे भाई साहब मान जाऊँगा। बहुत सही, बहुत लोग कह रहे हैं भाई कैसे पहुंच गई ये, इंडिया की पहली बलिनो है 4x2, 4x4 तो आती नहीं, जो मुस्तांग पहुंच के आई है फर्स्ट। ये जो ट्रिप थी वो सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से ही कंप्लीट हो पाई, क्योंकि
मैं तो आधे रास्ते में हार मान चुका था, बट पापा और बहन ने जब बीच बीच में कहा कि ऐसे ऐसे निकाल, गाइड करा, और जहाँ कि मैंने एक बीच में क्लिप डाली है कि बिल्कुल जाम लगा हुआ है उस जगह पे, मतलब ऐसे ऐसे पत्थर थे कि मैं देख के, मतलब वहाँ पे टायर भी जब पंचर हो गया था चेंज करा, तो मम्मी और आमा और बहन तो आगे चले गए थे जहाँ वो वाटरफॉल है। तो मैंने कहा कि गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं और यहाँ से चलते हैं जीप में, बट पापा बोले कि नहीं, थोड़ा सा और रह के चलते हैं। तो पापा के इस पुश ने जो है हमें मुक्तिनाथ तक पहुँचाया, और मतलब कुछ एक चीज़ थी जो खींच रही थी हमें वहाँ तक के लिए पहुँचने के लिए, वरना आधे रास्ते तो मैं मतलब उस पॉइंट पर जाके मैं लिटरली शिवर करने लग गया था और हार मान ही ली थी। बट पापा और बहन ने जैसे जैसे गाइड करा तो मतलब पॉसिबल होने की वजह से हो पाई, और मतलब जो फील था ना वहाँ जाने के बाद, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि पहली गाड़ी इंडिया की जब हर कोई मना कर रहा है कि नहीं पहुँच पाएगी और आप सबको रॉन्ग प्रूफ कर दो, तो पापा भी एकदम प्राउड जो वापस घर आया तो लोग कह रहे हैं पहुँच के आ गई कैसे, कुछ हुआ नहीं इसे, ये वो। और नेपाली भी हैं हम लोग, तो बीच में नेपाल के लोगों ने भी बहुत मतलब हेल्प करी, मतलब ड्राइवर लोग ऐसे नहीं कि हमें जाने नहीं दे रहे, गाइड कर रहे हैं वो भी प्रॉपर कि आप ऐसे ऐसे निकालो। तो ओवरऑल ट्रिप बहुत ही मज़ेदार रही, एडवेंचरस रही, और वीडियो तो मैं काफ़ी लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा क्या कहूँ कि क्लिप्स ही नहीं बना पाया, क्योंकि इतने खतरनाक रूट थे कि किससे कहूँ कि वीडियो बनाया, पापा कैसे बना, पापा मुझे गाइड कर रहे हैं, बहन भी गाइड कर रही है, तो मैं किससे कहूँ। तो यही डैश कैम की फुटेजेस हैं और जो बीच बीच के क्लिप्स हैं जो मैंने डाले, और बेस्ट टाइम यही है अगर आपको अगर मुस्तांग या मुक्तिनाथ जाना हो तो, क्योंकि इस टाइम पे जो है रास्ता थोड़ा बहुत जैसा आप देख सकते हैं ठीक है, वरना बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे भाई ये गाड़ी 4x2 तो कहीं से दूर तक नहीं चल पाएगी, 4x4 तक को दिक्कतें आ जाती हैं, ये तो 4x2 थी। बट हाँ, जो लोगों के रिएक्शन मिला, आप जैसे स्कॉर्पियो देखेंगे वीडियो में, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आ गई स्कॉर्पियो की लीग में, ये बलेनो बीच में, इनकी स्पीड से ही चल रहा था मैं, जो बीच बीच में रास्ता सही था तो मैं इन्हीं की स्पीड से ही चल रहा था, तो इनको तो बम्स में रोकनी पड़ रही थी, मुझे बम्स में इतनी नहीं रोकनी पड़ रही थी क्योंकि मैं सेडान का जो है बिल्कुल चिपक के चलती है ना, ये थोड़ी ज़्यादा बम्स करती हैं। वही है ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत सही रहा, इंडिया के आने के बाद टच फुट कोई दिक्कत नहीं हुई, और इस गाड़ी ने जो एवरेज दिया इस टेरेन में वो दिया था लगभग 16-16.5 का, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही सही एवरेज है। एवरेज तो बात छोड़िए, जो कंफर्ट मिला और जो मतलब कोई इशू नहीं आज तक, अभी भी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। बाकी लोग तो हैरान हो ही गए थे कि वैसे भी गाड़ी कैसे होके आ गई वहाँ से।